मदूल गांव की एक और सुबह, और ये सुबह थी मेरी ट्रैकिंग के आगाज की सुबह। जासबांडा के ट्रैक के लिए हमने आगाज किया है। ये मतूल गांव है, लामुती इससे पीछे है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हम जासबांडा जाएंगे। लेकिन यहाँ की एक अच्छी बात ये है कि लोग यहाँ के बहुत समझदार हैं, और उन्होंने यहाँ पे विलेज टूरिज़्म का आगाज़ कर दिया। अभी ये विलेज टूरिज़्म क्या है, यानी कि आप होटलों में जाते हैं, उधर महंगे महंगे कमरों में रहते हैं, लेकिन व्हाट इज़ दिस विलेज टूरिज़्म और वो इस इलाके में कैसे प्रमोट हो रही है, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। विलेज टूरिज्म यानी कि बजाय होटल्स में ठहरने के गांव के सादा घरों में ठहरा जाए और सादा खाना खाया जाए। मतूल गांव वालों ने बाय द वे ये कमाल काम शुरू कर दिया है, और आप भी जब जहाजबांदा का ट्रैक करने आए तो प्लीज गांव में ठहरे, खास तौर पे मतूल गांव में जन्नत भाई के घर। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ घर में ठहरने तो नहीं आया था, इसलिए मैं निकल पड़ा पगडंडियों से होता हुआ, खेतों से गुजरता हुआ, गांव के किनारों से होता हुआ, बहते दरियाओं का शोर सुनते हुए मैं निकल पड़ा। मतूल गांव से अगली मंजिल तक सड़क कुछ इस तरह की थी, यानी थी ही नहीं, यानी 4x4 के अलावा कोई चारा ही नहीं। फिर हम पहुंचे टिकी टॉप या टकाई टॉप। बहुत सारे लोग यहीं से ट्रैक शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जहां तक जा सकती थी हम वहां तक गए। लेकिन भैया किस्मत को था कुछ और ही मंजूर, यहाँ आगे एक पजेरो फंसी हुई थी। तो जब तक ये गाड़ी निकलती मैंने सोचा जरा आसपास का नजारा कर लिया जाए, और इरादा करते ही पहली झलक इन भाई साहब पे पड़ी। आपके चहारसू हरियाली हो तो ट्रैकिंग करने का अलग मजा है, ट्रैक करते करते भूख भी लगती है, और जब आपको भूख लगे तो रास्ते के लिए कुछ लेना ना छोड़े, वरना ये तो भाई बहुत लकी है, इनको तो खाना मिल जाएगा, हमें नहीं मिल सकता। सब कुछ कितना अच्छा था यहाँ कि अचानक एक सैड स्टोरी सामने आ गई। ये जीप ट्रैक का आखिरी किनारा था, और यहाँ पे मकामियों ने सयाहों और ट्रैकर्स के लिए छोटे छोटे होटल बनाए थे, लेकिन आपसी झगड़े ने यहाँ का हाल तबाह हाल कर दिया। कमरे जला दिए गए, टीम की छतें उखाड़ के फेंक दी गई, और इस हसीन स्टॉपओवर को कचरे से ओवरफ्लो कर दिया गया। अफसोस है यार, बहुत अफसोस। तो इस उम्मीद के साथ कि ये तनाजा जल्द हल हो जाए, हम तो भैया निकल पड़े ट्रैक टू जासबांडा पे। वैसे तो आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए अपने साथ ट्रैक पे रखना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह जगह छोटे टक शॉप्स भी आ जाते हैं, सो नो वरीज। पता है तकलीफ कहाँ होती है, जब इतनी खूबसूरत जगह पे कचरा नजर आता है। तमाम मौजूद टूरिस्ट से ये गुजारिश है कि जब आप यहाँ आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं, तो जिस तरह अपना तशरीफ का टुकड़ा वापस लेके जाते हैं, उसी तरह कि अपना कचरा भी साथ ले जाया करें, वरना आप इस मुल्क को बुरा भला कहने का वैसे भी कोई मुस्तक ही नहीं है। खुदारा ऐसी जगहों को साफ रखें। ट्रैक खत्म हुआ तो एक और वसी खुला सरसब्ज मैदान हमारे सामने था, और यहाँ थे कुछ गाय के बच्चे, तो फिर हो जाए कुछ बोथ शोस।
एक बजे तक ही बांडा से ट्रैक करना शुरू किया। 3:30 बज रहे हैं एंड आई गेस वो उस पहाड़ के पीछे समथिंग गुड इज वेटिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने बहुत से लोगों को वापस पलटते हुए देखा है, बट बहुत करीब आके अगर आप वापस चले आएंगे तो आप अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर देंगे। या दिस इज द लास्ट पुश और वैसे तो ये सयाम नीचे से कहीं आ रहे हैं तो इतना ऊपर आके कातिल है। अगर आप इतना ऊपर आके अगर आप एपिसोड वापस नीचे चले आएंगे दो नहीं इतने आप सारे चरागाहें आपको इतने सारे बांडा ये बट बांडा लैंड कंसीडर योर सेल्फ एज अ माउंटेनर और समझे कि वो आपकी समिट है एंड दिस इज योर लास्ट पुश वन लास्ट एफर्ट। और फिर लास्ट पुश खत्म होते ही कुछ ऐसे मनाजर थे। ये है जास बांडा जहाज बांडा जो भी। वैसे बहुत से लोगों को जास बांडा पहुंच के थोड़ी ना उम्मीदी होती है क्योंकि जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन ने यहाँ के हुस्न को मांद जरूर किया है, लेकिन इस इलाके की अच्छी बात यह है कि अगर एक बांडा यानी एक चरागा पसंद ना आए तो पुल के उस पार एक और सरसब्ज मैदान कर रहा है आपका इंतजार। वेलकम टू जास बांडा। गुड मॉर्निंग। इस वक्त जास बांडा पे सुबह के 5 बज रहे हैं। ऑब्वियसली फ्यू लोकल्स आर अवेक एंड एवरीबॉडी इज अस्लीप, बट इन जगहों पे आप आए और सुबह सुबह ना उठें यू मिस अ लॉट। इट्स ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला ने जो कुदरत बनाई है उसको देख के अकल दंग रह जाती है, आंखें हैरान हो जाती हैं कि ऐसी भी चीज़ें जो हम अब तक मिस कर रहे थे। मेरा नाम जनत गोल है मतूल वाला। बांडा का मतलब ये होते है सर, हमारा नाना परनाना इधर बकरियां भैंस चराते के लिए इधर लाता था, 3-4 महीने के लिए इधर रुका था। अभी वो ख़त्म हो गया, टूरिस्ट लोग इधर आता है। तकरीबन इधर आया सर, होटल तो 5 साल से बनना शुरू हुआ। पहले इधर इमरान खान आया था, कुमराट आया था, उसने यही बोला कि बस इधर टूरिज्म लोग सारा इधर आएगा। तो पहले इधर हमारा एक बंद था, राजा नाम था इसका, गेस्ट हाउस इसने बनाया। हम 3 लोग इधर आया तो इधर कैंप वैम्प लगाया, बस ये टूरिज्म 5 साल से बस आगे शुरू हो गया। बस सर हम लोग को यही कहेंगे कि कचरा मचरा नहीं फेंको, ये गंदा हो जाएगा, टूरिज्म लोग भी फिर इधर नहीं आ सकता है। हुकूमत से सर ये अपील करते, इधर सड़क नहीं है, ये अपील करते, हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारा सड़क बनाओ,